जब मेमना 10 दिन का हो जाता है, मेमना जैसे ही 10 दिन का होता है, मेमना थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो अक्सर बकरियों में दूध की कमी हो जाती है। दूध उतना बकरियों में नहीं होता है कि मेमने सर्वाइव कर सकें, क्योंकि मेमने को लगभग 600-700 ml दूध जो है दिन में जरूरत होती है। तो अब 10 दिन के मेमने को 600-700 ml दूध पिलाना, और यदि बकरी के पास 2 या 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध होने वाला है ही नहीं। तो इस पर मैंने काफी जानकारी दी थी कि यदि छोटा मेमना है, बकरी के दूध कम हो रहा है, तो 10-15 दिन से पहले कौन सा दूध यूज करेंगे। आपको बताया था कि मेडिकल स्टोर से आपको लैक्टोजन दूध लाना है, भैंस वगैरह का दूध नहीं देना है। लेकिन चूंकि लैक्टोजन जो है आपको 390 रुपये, ऐसे 390-400 के आसपास मिलता है, तो काफी महंगा है। तो जब मेमना बड़ा होने लगता है तब उसको आपको ज़्यादा दूध देना होता है, तो कुछ हमें फीड कॉस्ट भी कम करनी होती है। तो कौन सा दूध पिलाएंगे, जैसे ही मेमना 10 दिन के ऊपर होता है, दूध अधिक ज़रूरत होती है, तो हमको बाहर का कुछ ना कुछ दूध उसको देना ही होता है। तो जब हम बाहर का दूध यूज करेंगे तो कौन सा दूध पिलाएंगे, तो मेमनों को अक्सर आप गाय का दूध यूज कीजिएगा। यदि गाय का अवेलेबल नहीं है तो फिर आप भैंस के दूध पे जा सकते हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो है वो गाय के दूध पर ही रहेगी। तो मैंने गाय का दूध लिया है, 1.5 लीटर दूध पर डे हम लोग लेते हैं, और उसमें 1 लीटर पानी मिलाते हैं। जितने भी मेमने हैं सबको पिलाऊंगा। दोपहर का समय है, 12 लगभग बज रहे हैं, 12-12:30 बज रहा है। इससे पहले कि यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं कि क्या क्या देना है, मॉर्निंग में कितने समय दूध पिलाना है, दोपहर में कितने समय दूध पिलाना है, इवनिंग में कितने समय दूध पिलाना है, सारी जानकारी मैंने 3 वीडियो इस पर बना दी है। अब मेमना हमारे 10 दिन का बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया है, 1 हफ्ते से ऊपर का हो गया है, 10-15 दिन का कुछ मेमना, कुछ 15 दिन के हो गए हैं। दूध की कुछ कमी कुछ मेमनों में देखने को मिलती है। जिन बकरियों ने 1 बच्चा दिया है उनमें कोई भी दूध की कमी नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। लेकिन जिन बकरियों ने ज़्यादा बच्चे दिए हैं उनमें प्रॉपर दूध नहीं हो पा रहा है। एक चीज आप इसमें और देखेंगे कि जब मेमना 10 दिन के ऊपर 12 दिन के ऊपर जाता है तो मेमना अक्सर इधर उधर की चीजें खाना चालू करता है, कुछ ना कुछ मिट्टी भरेगा इस तरह से वो खाने लगता है, तो इस उसको अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। तो उस समय आप दूध में क्या ऐड करेंगे, देखिए मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून का मैंने सारा डिटेल्स दे दिया है, लेकिन ये बड़े मेमनों को बता रहा हूँ जो 10 से 15 दिन के हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का रहता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं सारी चीज़ों में कि कब कितने दिन के मेमने को क्या देंगे। तो ये कौन सा है 15 दिन से ऊपर के मेमनों के लिए, कौन सा ऊपर से सप्लीमेंट दे रहे हैं, ऊपर से हम उसको दूध पिला रहे हैं, जो बकरी का होगा तो होगा ही। तो मेमना यदि आप दूध पिलाते हैं तो कब पिलाएंगे, बाहर का दूध पिलाते हैं तो हमेशा दोपहर में यूज करना है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में प्रॉपर बकरियों के दूध हो जाता है। जब बकरी दूध देती है तो रात भर का जो दूध भरा रहता है तो सुबह तो उनको पर्याप्त फीडिंग मिल जाती है, लेकिन दोपहर में कम हो जाता है। तो दोपहर में अलग से आप दूध यूज करेंगे और शाम तक फिर बकरी में दूध आ जाता है। तो शाम और सुबह मेमने को प्रॉपर दूध मिल जाता है लेकिन दोपहर में कम पड़ता है। तो दोपहर में हम कौन सा दूध यूज करेंगे, गाय का दूध यूज करेंगे। तो गाय का दूध मैंने लिया है, ये देखिए दूध रखा हुआ है, 1.5 लीटर ये दूध है, इसमें हमने 1 लीटर पानी मिलाया हुआ है, दोपहर का समय है। साथ में इसमें क्या मिलाएंगे, चूंकि जब मेमना 15 दिन का हो रहा है तो कुछ मिट्टी वगैरह खाने लगता है, तो उसके लिए हम इसमें पॉलीबियॉन बी कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे। आप बी कॉम्प्लेक्स का कोई भी सिरप ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऐड करना है, ताकि मेमने को 1-1 ml लगभग आ जाए, इस तरह से आप ये ऐड कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप ये पर डे दूध में ऐड करें, आप हफ्ते में 2 या 3 दिन यूज कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे एडवांस एनर्जी रिलीज फार्मूला लिखा हुआ है, एनर्जी भी मेमनों को इससे मिलती है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये चीज़ें मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा, किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने कई जगह से ट्रेनिंग लिया है, इतना डीपली कहीं पे नहीं बताया जाता। ये काम करके ही आप सीखेंगे, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मेमना आपका तैयार होगा, कभी भी मेमने में बीमारी देखने को नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल है। आप सारे मेमने बचा पाओगे यदि इस तरह से कर लेते हो, क्योंकि जब बीमारियां नहीं आएंगी मेमना हमारा स्वस्थ रहेगा, हेल्थी रहेगा, बीमारियां आना ही नहीं है। तो मैंने ये लिया है दूध जो है हमारा 2.5 लीटर है, इसमें मैं पॉलीबियॉन मिला रहा हूँ। तो मैं अपने आइडिया से
एक हिसाब से मिला देता हूं ताकि सारे मेमनों को हो जाए। तो इतना ओलिबियन मैंने मिलाया है, इसको मैं मिक्स कर लूंगा। आप लोग क्या करते हो, यदि पहली बार दूध पिलाने जा रहे हो मेमने को, तो जो इसकी मलाई होती है ऊपर जो है फैट जमा हो जाता है, इसको आपको निकाल लेना है। चूंकि मैं 2-3 दिन से इसको दे रहा हूं, इसलिए इसको अलग नहीं किया है, मेमने मेरे पूरा हजम कर जा रहे हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि पहली बार जब दूध पिला रहे हो आप, तो दूध एकदम से नहीं पिलाना है, आपको 100 ml से ही स्टार्ट करना है। और 100 ml के बाद आप इसको 250, 300, 400, आधा लीटर तक भी मेमने को पिला दोगे तो हजम कर जाएगा। ये मेरा मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। इसमें आप पॉलीबियोन जब मिला दोगे तो हल्का सा येलो कलर का हो जाता है, और गाय का दूध वैसे भी येलो कलर का ही होता है। तो ये चीज़ें देख रहे हैं, मैं अच्छी तरह से मिला रहा हूँ। अभी इसको निपल में भरूंगा, आप लोगों को पिलाते हुए भी दिखाऊंगा। एक बहुत सारे भाई यदि नहीं समझ पाते हैं कि उनका मेमना भूखा रह रहा है कि नहीं रह रहा है, तो मैं अभी मेमने आपको दिखाऊंगा कौन सा मेमना छका हुआ है, कौन सा भूखा है। सारा पेट देख के ही आप पहचान जाओगे कौन सा मेमना जो है भूखा है। अभी दोपहर है, अभी खोलूँगा, मेमने सारे बंद हैं। और इससे पहले आप लोगों को मैंने सारे वीडियो दिखाए हैं कि दोपहर में सरसों का तेल देना है, कैसे देना है। इस पर मैं जल्दी एक और जानकारी देने वाला हूँ, चूँकि बहुत सारे भाइयों का ये था कि विमल भाई सरसों के तेल से फ़ायदा क्या होता है, तो मैं अभी आप लोगों को उसके बारे में भी जानकारी पूरी दूंगा। क्या फ़ायदा होता है, क्या बकरी बकरी के बच्चों में बीमारियां देखने को नहीं मिलती हैं, और ये जो मैं वीडियो देख दे रहा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं बकरी पालन में। तो ये हमारा जो दूध है वो तैयार हो गया है, मिक्स हो गया है। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पिलाते हुए। आपको इस तरह का निपल यूज करना है। एक चीज़ और ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी ये निपल यूज करोगे, पर डे गर्म पानी करके इसको धुलना है, क्योंकि इसके अंदर मलाई वगैरह जम जाती है। कोई भी इसमें महक नहीं आनी चाहिए निपल में कि आपने पिलाया और रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसको धुल के गर्म पानी से बीच बीच में धुल सकते हो। और ये देखिए 300 ml का ग्लास है मेरा, और ये निपल जो है 250 ml की है, लेकिन इसको हम ऊपर तक भर देंगे तो 300 ml हो जाता है। चलिए मैं पिलाते हुए आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे पिला दे। और बिल्कुल भी इनमें दस्त देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि कई दिनों से दे रहा हूँ, साथ में इसमें पॉलीबियोन पड़ा हुआ है, मिट्टी और इस तरह से बहुत कम खाएंगे। बाकी ये इनका नेचुरल हैबिट है कि हम पॉलीबियोन डाल के इनको पिला दें तो बिल्कुल मिट्टी ना खाएं, ऐसा होता नहीं है। जैसा बताया जाता है कि मिट्टी वगैरह मेमना खाता है तो पॉलीबियोन दे दो तो नहीं खाएगा, ऐसा है नहीं। आपको इनकी थोड़ी सी केयर करनी होती है, देख रेख करनी होती है। जब मेमना मिट्टी खाता है तो उसको आपको मना करना होता है। बाकी मेमने सब बाहर खड़े हैं, उनको अंदर अभी माँ का दूध पिलाया जाएगा। और अभी देखना, मैंने इनको दिखाया था स्टार्टिंग में पेट बिल्कुल खाली था, जिसको मेमने का देखना पेट ये देख सकते उठा हुआ दिखने लगा। आपको अपने आप लगेगा मेमना छका हुआ, इस तरह से ऐसे पहचाना जाता है। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना कि मेमने को 10% दूध देना है, इस तरह से देना है। आप ऐसे उठाओगे आपको मेमने का पेट खुद ही भरा हुआ नजर आएगा, भरा भर गया इसका पेट। और तो आइए मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। देखिए आगे जो 10-15 दिन का मेमना हो जाता है, इस तरह से मिट्टी खाने की कोशिश करता है। देखिए इधर मिट्टी है, इस तरह से कोशिश करने लगते हैं। ये देखिए कोशिश कर रहे हैं, मिट्टी खाने की कोशिश करते हैं। इनको सब मना करना होता है, कितना भी आप पॉलीबियोन वगैरह दे दो, लेकिन वो थोड़ा बहुत खाएंगे ही, तो ये चीज़ें रहती हैं, तो इनको मना करना होता है। जैसे इनको मना करेंगे तो फिर नहीं खाएंगे, और क्योंकि मेमना भूखा है।
अभी बकरियों को अभी दूध इन लोग को पिलाएंगे। तो दोस्तों जानकारी आप लोग कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। दोपहर का दोपहर में ऐसे आपको दूध पिलाना है, ये जानकारी जो है 10 दिन के एबव मेमनों की है, 10 से 15 दिन के ऊपर के जो मेमने हैं उनको ये दूध देना है। सारी डिटेल से मैंने जानकारी दे दी है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मेमना पालने को लेकर मिलती रहेगी। अभी इनको और क्या देना है, अभी मैंने आपको A to Z वगैरह पिलाते हुए दिखाया है। इसके बाद हम लोग इनको मल्टी स्टार कब से चालू करेंगे, क्या है, पूरी डिटेल से जो है जानकारी मिलती रहेगी। चलता हूँ दोस्तों, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।